कोश किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे मूंग का सूप। जी हाँ, ये ना ही सिर्फ बहुत हेल्दी होता है बल्कि अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो भी उस लिहाज से ये सूप आपकी काफ़ी मदद करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं किस तरह बना सकते हैं आप मूंग की दाल का सूप। इसे बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ करीब 1 कप धुली मूंग की दाल ले ली है। आप चाहें तो छिलके वाली मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस दाल को 2-3 बार अच्छी तरह से हम धो लेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं और धोने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आधे घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। और अगर आपको तुरंत सूप बनाना हो तो आप बिना देर तक भिगोए भी इसे तुरंत ही बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद मूंग की दाल फूल गई है। अब इसके बाद इसका सूप बनाना शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर को गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1 लहसुन की कली। साथ ही अगर आप चाहें तो ऐसे वक्त में हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे करीब 1 कप मिक्स वेजिटेबल्स, जिसमें हमने लिया है गाजर, बीन्स और मटर। आप चाहें तो कोई भी मौसमी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सौंठ पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक या फिर सेंधा नमक। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 बड़े साइज का टमाटर कटा हुआ, और साथ ही हमने लिया है ज़रा सा हरी धनिया रफली चॉप किया हुआ। इसे भी तेज़ आंच पर अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब भूनने के बाद धुली मूंग की दाल डालेंगे। हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक पानी। वैसे तो हम यहाँ पर मूंग की दाल का सूप बना रहे हैं, हमें और भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पर अभी इसे प्रेशर कुक करते हुए हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ज़रूरत के मुताबिक ही हमने इसमें पानी डाला है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ढक्कन लगाकर 2 सीटियों तक प्रेशर कुक कर लेंगे। अब 2 सीटियों के बाद मूंग की दाल को चेक करते हैं और आप देख सकते हैं दाल और सब्जियां अच्छी तरह से गल गई हैं। अब हम इसे ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं सारी सब्जियां, सारी दाल अच्छी तरह से घुल गई है और सूप का जो फॉर्म होता है उस शक्ल में आ गई है। अब इसमें हम ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करेंगे और 1 उबाल तक पका लेंगे। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो सब्जियाँ हमने इसे भूनते वक्त, गलाते वक्त डाली थी, उन सब्जियों को आप चाहें तो भूनकर पहले ही अलग कर लें और सूप को सर्व करते वक्त उसे यूं ही सूप में डालकर सर्व करें। मर्जी आपकी है, जिस तरह आपको सूप पसंद हो आप उस तरह इसे बना सकते हैं। और सूप में हमने पानी डाल दिया है और एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी जैसी हमें सूप के लिए चाहिए वो हमारी मूंग दाल को, हमारे सूप को मिल चुकी है। और अब 1 उबाल आने के बाद आंच को करेंगे बंद। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, ज़रा सा बारीक कटा हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब बटर के साथ, देसी घी के साथ इस गर्मा गर्म मूंग की दाल के सूप को सर्व करेंगे। दोस्तों ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो वज़न घटाना चाहते हों, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हों, घर के बुज़ुर्ग हों, या फिर नई नई कोई माँ बनी हो, या हों घर के छोटे बच्चे जिन्होंने अभी अभी अनाज खाना शुरू किया हो। ये सूप आप सभी लोगों को दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये हेल्दी सी मूंग दाल के सूप की रेसिपी, हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कोश किचन को, और देखते रहिएगा कोश किचन।